हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका प्रोनाउन का दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि रटा मत करो, इंग्लिश को समझो, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। क्योंकि हर चीज़ के अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे समझ आएगा, और नहीं तो तुक्केबाजी करते रहोगे पेपर में और उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। आपको पता है ना इंग्लिश का कितना बड़ा रोल है पेपर में, क्योंकि जो आप आरआरबी का पेपर देखते हो, आईपीएस आरआरबी जो बैंक के होते हैं, उसमें आप देखते हो कि मेरिट कितनी हाई जाती है, क्योंकि उसमें मैथ्स और रीजनिंग होती है, वो सबकी अच्छी हो जाती है मैथ्स रीजनिंग। पर जब आप SBI या IBPSB के पेपर देखते हो, या कोई भी प्री के पेपर देखते हो बैंक में, ठीक है ना, दूसरे, तो उसमें देखते हो मेरिट कम रहती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, उसमें इंग्लिश आ जाती है और वहाँ चलती है तुक्केबाजी, ठीक है ना। इसलिए इंग्लिश को ध्यान से पढ़ो कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक। दूसरी बात एक बोलना चाहूँगा मैं गुजारिश आपसे कि मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो इसको शेयर किया करो और कमेंट किया करो। क्योंकि कमेंट से ऐसा होता है कि ठीक है, मुझे समझ आ जाता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत है, कहाँ टॉपिक है। तो एक प्लेलिस्ट अलग से बनाऊँगा जिसमें जहाँ आपको दिक्कत होती है उस प्लेलिस्ट में सारे वो वीडियोज़ डाल दूँगा मैं, ठीक है। और बस इतना ही कहना था, ठीक है। और ये मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि कितनी किस इंटेंसिटी से मैं वीडियो डालूँ, कितनी वीडियो डालूँ, ठीक है ना। जितने अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतना ज़्यादा क्या है एनर्जी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा वीडियोस डालूँगा, ठीक है। ये तो हैं बातें, और बातें तो चलती रहेंगी। आते हैं हम सेंटेंस पे, तो लेट यू एंड आई स्टार्ट द गेम। अब देखो इसमें कईयों ने तो यही रूल बना रखा है कि लेट के बाद क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस डाला करो। अरे आएगा ही ऑब्जेक्टिव केस, ये वर्ब है, इंपरेटिव सेंटेंस बना रहा है, लेट वर्ब है। अब आप बोलोगे ये वर्ब है तो ऑब्जेक्ट कहाँ गया, वो सॉरी सब्जेक्ट कहाँ गया। तो जो ये इंपरेटिव सेंटेंस है ना, उसमें सब्जेक्ट ही कहाँ लेते हैं, सब्जेक्ट लिखते कहाँ हैं, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है, क्योंकि जो हमारे सामने खड़ा होता है हम उसके उसके उस उससे बोलते हैं लेट यू एंड आई स्टार्ट द गेम, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो अंडरस्टूड होता है, इसलिए सीधा यहाँ पे क्या होता है मेन वर्ब, ठीक है ना। और यू एंड आई ये ऑब्जेक्ट है इसका, ऑब्जेक्ट केस में रखे हैं कि नहीं है, यू तो ठीक है, हाँ यू का ऑब्जेक्ट, यू आई नहीं, आई तो ही सब्जेक्ट केस रखा है, ऑब्जेक्ट ही रखना पड़ेगा ना। मी स्टार्ट द गेम, स्टार्ट किया है, हाँ। अब आप बोलोगे ये मेन वर्ब है, तो ये भी तो वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, इन्फिनेटिव है, बियर इन्फिनेटिव है, ठीक है ना। मेरा इन्फिनेटिव का चैप्टर होगा, उसमें देखना आप, ठीक है ना। 2+V1 होता है ना इन्फिनेटिव, पर जहाँ पे 2 नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे 2 नहीं लगाते केवल क्या लगे V1 लिखते हैं, वो बियर इन्फिनिटिव होता है। अब वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में होता है कि बियर इन्फिनिटिव हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये वहाँ का है जो हमने देखना था, यहाँ पे देख दिया, वो इन्फिनिटिव वाले प्लेलिस्ट में आप देख लेना, ठीक है ना। स्टार्ट, और जो देखो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ना, ठीक है ना, उनके जो मूल काम होता है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसका ऑब्जेक्ट भी होगा। तो स्टार्ट व्हाट द गेम, तो ये क्या है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में, ठीक है। दूसरा ये वैसे ले रखा है मैंने, सी लेट सी सिंग अ सॉन्ग। लेट सी, लेट क्या है जैसे ऊपर बताया मेन वर्ब है, सी ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, सी होगा ही नहीं, हरा होगा, ठीक है ना। सिंग बताया बियर इन्फिनिटिव है, ठीक है ना, ठीक है, ये क्या है इन्फिनिटिव है, ठीक है ना। लेट्स लेट हर्स सिंग व्हाट ए सॉन्ग, ये इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है जैसे अभी बताया था। आगे बात समझ में, वैसे ये है मेन वर्ब लेट ही एंड सी। देखो ही है नहीं, क्या आएगा फिर हिम एंड आर, और ये क्या है बियर इन्फिनिटिव है, ठीक है ना, ये क्या है बियर इन्फिनिटिव, और ये एडवर्ब है। आगे बात समझ में, अगला है ये एडवर्ब है, ठीक है ना, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। ये आगे होगा आपकी समझ में, जो लेट का केस था वो तो पता चल गया होगा आपको, बाकी इन्फिनिटिव का केस वो इन्फिनिटिव वाले चैप्टर में। अगला है बिटवीन यू एंड आई, ठीक है, ये तो हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आते हैं, देखते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है कि नहीं। यू एंड आई, यू प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि यू का सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट ही केस एक ही होता है, आई,
आई तो सब्जेक्टिव केस में इसको ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, आएगा क्या होता है, मी होता है ना, तो ये मी आएगा, ठीक है ना। बिटवीन यू एंड मी, यू आर, तो यू सब्जेक्ट है, आर आर ठीक है, वर्ब प्लूरल है तो ठीक है, लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब होती, ठीक है। तो यू आर, फिर लिंकिंग वर्ब के बाद क्या क्या आता है, मैंने बताया था क्या क्या आता है लिंकिंग वर्ब के बाद, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आता है, या तो एडजेक्टिव होता है, या तो नाउन होता है, या तो प्रोनाउन का सब्जेक्ट केस होता है, तभी तो इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, द काइंडर वन, तो यहाँ पे वन है जो कि एक नाउन है, ठीक है ना, और ये इसके एडजेक्टिव है। आगे बात समझ में आगे होगा, अगला सेंटेंस देखते हैं, माई फादर एंड माई सेल्फ आर ग्रेट, ये सब्जेक्ट है, माई फादर एंड माई सेल्फ, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट के केस में आना चाहिए माई फादर, चलो यहाँ ठीक है, एंड माई सेल्फ, माई सेल्फ क्या है भाई, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ठीक है ना, माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या तो ये क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, ठीक है ना, तो मैंने खुद ही वर्क किया, या तो एम्फेसाइज करेगा, एम्फेटिक प्रोनाउन, या तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है ना, या तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ठीक है, ये तो सिखा देंगे आगे, पर यहाँ पे ये माई सेल्फ क्या है, सब्जेक्टिव केस में नहीं आता, ठीक है। माई फादर एंड, सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, अपने लिए, मेरे लिए, अपने लिए क्या होता है, मैं के लिए, आई, ठीक है ना, आर ठीक है, पूरे आर ठीक है, ग्रेट फॉलोअर्स ऑफ, ठीक है, आर हो गया, तो ये लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब नहीं है, ठीक है ना, तो लिंकिंग वर्ब के अभी आपको बताया क्या क्या आएगा, तो फॉलोअर्स ये क्या है, नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ग्रेट ये इसका एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये क्या है, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजनल प्रीपोजनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये, और ये इसका क्या है, पोजेसिव केस है। अब देखो मैंने हमेशा बताया कि प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजनल ऑब्जेक्ट एक फ्रेज बनाती है जो या तो एडजेक्टिव फ्रेज होती है या तो एडवर्ब फ्रेज होती है, तो यहाँ पे कौन सी फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, फॉलोवर्ड्स के लिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है। आगे बात समझ में, अगला सेंटेंस देखते हैं, अदर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रॉन्ग डूइंग, अदर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, अदर, अदर तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है भाई, अदर्स होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, अदर्स आर, ठीक है ना, अदर्स क्या होता है, प्रोनाउन होता है, और अदर क्या होता है, अदर एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना, अनदर भी एडजेक्टिव होता है, अदर्स प्रोनाउन होता है, अनदर और अदर एडजेक्टिव होता है, आगे समझ में, तो अदर्स हो गए यहाँ पे, फिर ये लिंकिंग वर्ब होगी, ठीक है ना, फिर ये लिंकिंग वर्ब के बाद आपको पता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है ना, वो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो ये ठीक है, ठीक है ना, ये नॉट इसका एडवर्ब है, ठीक है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रॉन्ग डूइंग, ठीक है ना, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नाउन होता है, पता है आपको, या तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा, पता है आपको, अरे ये डूइंग, अब आप ही बोल रहे होंगे ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है मेरे भैया, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना, जो कि एक क्या है, जीरंड है, जीरंड नाउन का काम करता है, ठीक है ना, तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है, ये नाउन है, एक जीरंड है, ठीक है ना, जो कि नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक, फिर ये तो इसका एडजेक्टिव हो गया, और ये इसका पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, योर रॉन्ग डूइंग, और ये उसका पॉजिटिव केस हो गया, ठीक है ना, आगे बात समझ में, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया वो, ठीक है, आगे आके समझ में, अगला है, देखो ये क्वेश्चन है जो छठवां, ये 2017 में आईपीएस क्लर्क में आया था, अब देखते हैं कहाँ तक आप कर पाते हो, एक बार मेरे करने से पहले आप पॉज करके देख लीजिए, ठीक है, चलो ठीक है मैं करता हूँ इसको, द किंग सब्जेक्ट है, वॉज अवेयर, वॉज लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना, अवेयर के एडजेक्टिव है, सही है, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, ऑफ हिज एबिलिटी, क्या बोलते हैं, एबिलिटीज,
ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। एबिलिटी क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ये फ्रेज एक कौन सी फ्रेज बना रही है, एडवर्ब फ्रेज बना रही है, जो इस एडजेक्टिव को क्या कर रही है, क्वालिफाई कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, ठीक है। ठीक है, ए किंग वॉज अवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज, हो सकता है अपने बारे में क्या, इसके बारे में हो या किसी और के बारे में हो, ठीक है ना। या तो द किंग वॉज अवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज, या तो किंग अपनी एबिलिटीज के बारे में अवेयर था, या तो किसी और के, तो अब देखना पड़ेगा आगे क्या बोल रहा है। एंड देयर फॉर, कंजंक्शन एंड देयर फॉर, या तो यहाँ पे केवल देयर फॉर भी लगा सकते थे, ठीक है ना। एंड भी चलो लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है एंड का, तो एंड देयर फॉर ठीक है, कंजंक्शन है, ये चीज़ तो हम कंजंक्शन यूज सीखेंगे क्या है, ठीक है। एंड देयर फॉर मेड देम, मेड देम, मेड देम कहाँ से आ गया, ये मेड देम, ये देम किसके लिए, ये देखना है, ठीक है। वॉज अवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज एंड देयर फॉर मेड, अब हिज है ना, तो किसका मतलब, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेड देम दी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। तो अगर ये हिज, अगर वो खुद इसी के लिए होता, किंग के लिए, ठीक है ना, तो खुद ही को एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बनाते हो, किसी और को बनाएगा ना, वो तो राजा है, तो इसका मतलब यहाँ पे देम तो नहीं आएगा ये, क्योंकि ये हिज है, ठीक है ना। तो यहाँ यहाँ पे क्या आना चाहिए, हिज एबिलिटी एंड देयर फॉर मेड हिम, मेड हिम व्हाट, दी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गई, इस दूसरी क्लॉज की क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं नहीं सॉरी, मेड हिम, सॉरी, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। ये अभी आपको पढ़ाया नहीं, ये कॉजिटिव वर्ब में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। अब फिर ये प्रिपोजिशन है, और ये प्रिपोजनल के बाद प्रिपोजनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ये प्रिपोजनल पर प्रिपोजिशन प्लस प्रिपोजनल ऑब्जेक्ट, मैंने हमेशा बताया कि एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज बनती है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, जो कि क्या है, नाउन है, उसका उसकी उसका क्या है, एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है ना। तो ये फ्रेज इस नाउन को क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो ठीक है, हमारा तो यहाँ पे निकल गया था, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।